दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। सर, मेरा आज का सवाल है, 15 दिन पहले भाजपा बढ़त बनाए हुए दिख रही थी, आज वापस कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो आपकी सरकार जो बनेगी वो लचर अफसरशाही पर कैसे नियंत्रण करेगी और गुड गवर्नेंस कैसे देंगी और आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, कांग्रेस शुरू से बढ़त बनाए हुए है, भाजपा शुरू से कमजोर रही है और जनता में जो उत्साह है बदलाव का, 15 साल के रमन सिंह के राज में जो कुशासन भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरुद्ध जनता मन बना चुकी है इनको बदलने का। दूसरी बात, हम लोगों ने जो किसान का कर्जा माफ़ी और 2500 समर्थन मूल्य की बात कही उसका भी ज़बरदस्त आकर्षण है, भाजपा के पास इसका कोई तोड़ नहीं है और अनेक ऐसे बात हैं जिसमें कांग्रेस के पक्ष में वातावरण हुआ है। रही सवाल लचर अफसरशाही का, तो हम इतना अच्छा व्यवस्था देंगे कि जनता को स्नेह भी मिले, उनका सम्मान भी रहे और काम शक्ति से, मजबूती से और त्वरित गति से हो, पेंडिंग करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ये तो हम लोग मजबूती से करेंगे, आश्वस्त करते हैं। और कामों का जहाँ तक प्रश्न है, पुराना अनुभव भी है, लेकिन हम लोग चाहेंगे जिस तरह जन घोषणा पत्र हम लोगों ने 6 महीना लोगों से मिलकर तैयार किया, उसी प्रकार हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम्स क्या है और प्राथमिकताएं हमें किस प्रकार से करनी है। अलग अलग अंचल में अलग अलग प्रकार की बातें आएंगी और उनका समावेश करते हुए हम लोग चाहेंगे कि जनता के आकांक्षाओं के अनुसार काम करते हुए समस्याओं का निदान करके बेहतर वातावरण बना सके। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त की खबर से अनेक नेता उत्साहित हैं, परंतु अंतिम निर्णय जनता चुनाव परिणाम के द्वारा बताएगी।